Good morning, students. In our last video, we learned about proper noun and common noun back exercise. Today, we will learn about collective noun and abstract noun. देखिए बच्चों, मैंने दिया है fill in the blank with collective noun. हमने ये जो हमें fill-ups दिए गए हैं, इनमें collective noun fill करना है. और ये मैंने इसके अंदर आपको option दिए हैं. Heard, team, dream, class, range, crowd, army, band, tube, school. पहले तो आप बताइए collective noun. Collective noun आपको पता है ना, जिसके अंदर हम एक group को लेते हैं. जैसे कि किसी भी ग्रुप, कोई भी ग्रुप है, जैसे बच्चों का ग्रुप है, प्लेयर्स का ग्रुप है, डॉग्स का ग्रुप है, लॉयन का ग्रुप है, तो उनके ग्रुप को हम एक नेम से डिफाइन करते हैं. तो वो नेम क्या है, वो नेम हमने इसमें फिल करना है. देखिए, अ डैश ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर जो होते हैं, खिलाड़ी जो प्लेयर्स होते हैं, उनके ग्रुप को हम बोलते हैं टीम. इसमें मैंने आपको दिया हुआ है टीम, आपने ऑप्शन देखा टीम और उसमें फिल कर दिया टीम, टी ई ए एम, टीम. सेकेंड है ए डैश ऑफ माउंटेन, माउंटेन मीन पहाड़. जो पहाड़ होते हैं उनकी जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं, अ रेंज ऑफ माउंटेन, अ रेंज ऑफ माउंटेन. इसी तरह से नंबर 3 पे ए डैश ऑफ पेपर्स, पेपर्स जो होते हैं, कागज हैं जो, उनके ग्रुप को क्या बोला जाता है, अ रीम ऑफ पेपर, आपने लिखना है अ रीम ऑफ पेपर. नेक्स्ट है हमारा अ डैश ऑफ एलिफेंट, एलिफेंट जो होते हैं उनके ग्रुप को क्या बोला जाता है, हर्ड, क्या बोलते हैं हम, एच ई आर डी. लॉयन के ग्रुप को भी हर्ड बोलेंगे. ए डैश ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स में क्या आएगा, स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स. नेक्स्ट है हमारा अ डैश ऑफ पीपल, पीपल मीन्स इंसान जो होते हैं, उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, हमारे ऑप्शन में एक क्राउड दिया गया है तो हम उनके ग्रुप को बोलते हैं अ क्राउड ऑफ पीपल्स. एन डैश ऑफ सोल्जर, सोल्जर हमारे सिपाही होते हैं, जब उनका एक ग्रुप बन जाता है तो उस ग्रुप को बोलते हैं एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स. अ डैश ऑफ डांसर्स, डांसर्स क्या होते हैं हमारे, जो डांस करने वाले होते हैं, जो उनका ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं ट्रूप, क्या बोलेंगे, टी आर ओ यू पी ई, ट्रूप. नेक्स्ट है ए डैश ऑफ म्यूजिशियन, म्यूजिशियन कौन होते हैं, जो गाना गाते हैं, जो गाने में जो साथ निभाते हैं, जो जैसे कि कोई तब जो अपने अपने इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं, वो सभी म्यूजिशियंस में आ गए, तो उनके ग्रुप को बोलते हैं ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस. ए डैश ऑफ फिश, फिश के ग्रुप को बोलते हैं अ स्कूल ऑफ फिश. हमने लर्न किया प्लेयर्स के लिए टीम, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ रेंज ऑफ माउंटेन्स, अ रीम ऑफ पेपर्स, ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, अ क्राउड ऑफ पीपल, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, अ ट्रूप ऑफ डांसर, बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, अ स्कूल ऑफ फिश. ये था हमारा कलेक्टिव नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जिनको हम फील करते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते बट जिनको हम फील करते हैं, मतलब कि जो हमारे भाव होते हैं, वो कौन सी नाउन होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. और जो ये मैंने ऑप्शन दिए हैं, जूस, मिल्क, थ्रस्ट, टी, इसमें जो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो आपने सर्कल करना है. इसी तरह हंगर, फूड, आइसक्रीम, बनाना, इसमें भी आपने देखना है क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. नेक्स्ट में लव, मदर, फादर, ब्रदर, इसमें भी आपने बताना है कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. एंड लास्ट है हमारा पेन, राइट, बुक एंड पेंसिल, इसमें भी आपने बताना है कौन सा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. तो ये आपका जो ये मैंने आपको दिए हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये आपने खुद से करने हैं और मैं इनका कल सोल्यूशन आपको दूंगी.
ओके स्टूडेंट्स, लर्न अबाउट कलेक्टिव एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन.